जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र बिहारी। टेक म्यूजिक बिहारी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। मैं आप सभी को ले चलता हूं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में, जो कि रामलीला मैदान में रामलीला 10 दिन से हो रहा है। और आज लास्ट मतलब जो है आज रावण दहन है। रावण दहन के अवसर पर हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए, और वहाँ का हर एक जगह हर एक कोने कोने आपको घुमाऊंगा। तो दोस्तों, मैं अभी कैब बुक कर लिया हूँ ओला, और ओला आने वाली है और मेरे साथ दो पार्टनर जा रहा है, जिसका नाम है, एक का नाम है प्रवीण और एक का नाम है अशोक। और हम दोनों तीनों मिलकर के मेला घूमेंगे और मेला का एंजॉय करेंगे दोस्तों। और आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि हर एक चीज़ मेला का कवर हो सके और मैं आप सभी को दिखाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्त यार के पास शेयर कर दें। अगर बाय द वे आप इस मेला में आए हो तो इस वीडियो में अपने आप को ढूंढिए और मेला का एंजॉय कीजिए। दोस्तों, ले चलते हैं अगले सीन के ओर आप सभी वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रोडों पे जो है बहुत सारे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और भीड़ ज़्यादा, मतलब मेला देखने के लिए सारे लोग जा रहे हैं, बाइक से, कोई रिक्शा से और कोई गाड़ी वगैरह से। चलिए रे, हम भी चल रहे हैं साथ में, देखते हैं। हमारे साथ में ये ड्राइवर साहब हैं और ये आपको अशोक और प्रवीण, दोनों हमारे पिछले वाले सीट पे बैठ रखे हैं गाड़ी में। तो चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लगता है हम लोगों को पैदल ही चलना पड़ेगा। काहे कि बहुत देर से हमने मतलब इस भीड़ में रुक रुक के चल रहा हूँ, क्योंकि आगे मेला का जो है ना ज़्यादा मूवमेंट है, शायद इसी कारण से गाड़ी को जाने में बहुत लेट हो रहा है। तो हम लोग डिसाइड कर लिए यहीं पर उतर जाते हैं और इस सड़क को पार करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गाड़ी जो है ना बहुत लंबी तगड़ी, मतलब चौड़ा सा रोड है। ये मेला का एंट्री गेट है, वैसे ये स्टार्टिंग रोड पे जो बना हुआ है ना वो मेला का एंट्री गेट है। इससे अंदर में और भी बहुत सारे गेट बने हुए हैं और ये प्रवीण इशारा दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्या आपको मैं इंडिया गेट ले आया क्या? मैं तो आया था मेला देखने के लिए, जो कि द्वारका सेक्टर 10 में रामलीला मैदान में है। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में ये पंडाल है, ये एंट्री गेट है, जो कि गेट जो बनाया है इंडिया गेट का हूबहू कॉपी। यहाँ पे भी एक इंडिया गेट खड़ी कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ से VIP एंट्री था, तो हम लोग रामायण में हमें VIP पास मिला था। हम लोग यहाँ से रामायण देखने के लिए कई बार जा चुके हैं और यहाँ से अब चलते हैं हम जो रावण दहन हुआ था उस तरफ, ताकि हम रावण दहन को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से एंट्री हम लोग करते हैं। एक्चुअली हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि रावण दहन शुरू हो गया है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। ये एंट्री जैसे हम करते हैं यहीं,
किया जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीछे में जो भी महल होगा, बैकग्राउंड जो भी सीन होता है, इस रामायण में महल का सीन देगा तो पीछे पर्दा पे वो सीन दिखाता है और वहाँ का रामायण जो है ना बहुत ही भव्य दिखने में लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस मंच के ऊपर पे जो राम जन्मभूमि मतलब उनका वो मंदिर जो है उनका वो ऊपर दिया हुआ है, सारा चीज़ बनाया गया। तो देख सकते हैं वहाँ पे दोस्तों वो गेट बहुत दूर में दिख रहा है। एक्चुअली मैं कैमरा टेस्ट कर रहा था कि वो गेट जो है उसको भी मैं जूम करके देखूँगा। यहाँ पे देखिए सारे नेता लोग भी बैठे हुए हैं क्योंकि अब पूजा पाठ हो रहा है, राम भगवान का विजय हुआ है, इनका राज तिलक हो रहा है और यहाँ पे उत्सव है। और ये इसको मैं जूम करता हूँ, देखिए कुछ नहीं दिख रहा था दोस्तों आपके पधारने पर, मतलब इसमें जो भी लिख रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग VIP पास मिला था तो इसीलिए VIP कोटा में हम लोग बैठे हुए हैं। और इधर हमारे पार्टनर लोग भी है, ये हमारे साथ में अशोक हैं और प्रवीण भी हमारे साथ में फिर बैठा फ़ोटो खिंचाने के लिए। और प्रवीण के साथ में हम लोग मतलब साथ में मेला देखने में बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ और कितनी ही आनंदमय लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। एक्चुअली स्वर्ग में नहीं, सॉरी मतलब आनंद कुछ अलग ही आ रहा था मेला का। इतना ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा लाइटिंग वगैरह और मेला का जो शोभा बना रहा था, हर जगह हर तरफ से आदमी देखो, हर तरफ सेल्फी वगैरह खींचे जा रहा है। और वहाँ का जो भी स्थानीय लोग के द्वारा जो कि हाँ प्रदान किया जा रहा था मेला में, सारा चीज़ अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों हम ले चलते हैं, आप चलते हैं मेला। ये तो हम रामलीला मैदान में थे, मतलब जहाँ पर रामलीला होता था। अब ले चलते हैं आप सभी को मेला में। ये देखिए कसम कस भीड़, आदमी को चलने के लिए जगह नहीं है दोस्तों। यहाँ पे झूले रंग बिरंगे कलरों में लाइटिंग से अलग ही शोभा बढ़ा रहा है दोस्तों। आप सभी को मैं पूरा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने एक एक जगह पर जाने की कोशिश की इतना भी भीड़ में, क्योंकि हमारे पार्टनर कई बार गुम हो चुका मेरे साथ से, लेकिन फिर भी हमने मेला को सोचा कि पूरा मेला ज़रूर घूमेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग को ये देखिए बच्चे लोग के खिलौने वगैरह लगा हुआ है और यहाँ का जो भी व्यवस्था वगैरह है, यहाँ पे है एक्चुअली ये मेरा फेवरेट है गन, जो एयर गन का जो है ना बैलून फोड़ने का, ये मेरा फेवरेट है। मैं कभी भी मेले में जाता हूँ तो ये देखिए मैं बोल रहा हूँ साथ लिया। एक्चुअली मैं इसमें कॉल चल गया, चलिए दूसरा राउंड लगाते हैं, पहले ट्राई करना पड़ता है ना। चलिए उसमें पहले गन से जो है ना अपने आप को वो वाकिफ होना पड़ता है कैसे। देखिए दूसरा भी तोड़ दिया, इसके बाद बारी आता है, मैं प्रवीण को देता हूँ। और दोस्तों प्रवीण जो है ये गन तो पकड़ा है बहुत तगड़ी से। देखिए ओ ये क्या हुआ, अबे यार तुमने तो गन से ही डर गया, अगर तुम्हारे हाथ में बंदूक दे दिया तो तुम बॉर्डर छोड़ के भाग जाओगे। यहाँ पे देखिए झूला, देखिए नाव वाला झूला है, नाव वाला झूला लगा हुआ है और यहाँ पे टावर झूला भी है। और गन वाले तो हमने मतलब एक्चुअली क्या हुआ ना, मुश्किल से 10 पीस दिया होगा, मेरा 100 रुपये बिल बना दिया उन्होंने। और यहाँ पे देखिए झूले वगैरह बहुत ही अच्छी तगड़े में से लगा हुआ है। और ये झूला तो कुछ अलग ही लग रहा है दोस्तों, इस झूले में मज़ा ही और आने वाला होगा। और बच्चे लोगों के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे कार, छोटे छोटे मारुति हैं।
सारे बच्चे लोग मजे। बार जहाँ भीड़ वगैरह होता है वहाँ थोड़ा अपने दोस्त यार से वो बना के रखना चाहिए कम्युनिकेशन। क्या है कि अगर बाद में आपके पास किसी दोस्त के पास फ़ोन नहीं रहे, देखो यहाँ पे 100 रुपये टिकट है, इसलिए ये है क्या कि कुछ नहीं, ड्रैगन झूला वाले का 100 रुपया चार्जेस, यहाँ पे ड्रैगन झूला का 100 रुपये चार्जेस हैं और ये कई चक्कर मात्र घुमाएगा, उसके बाद ये उतार देगा। तो दोस्तों दिल्ली में अगर आप मेला देखने के लिए जा रहे हैं तो पॉकेट थोड़ा गर्म करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का रेट जो है ना हाई होता है। हर एक झूला टावर झूला का 300 रुपये रेट था, उसके बाद आपको ये इनका ये अलग ही था, इसका 200 रुपये समझिए। चलिए इसको भी दिखाते हैं, ये देखो दोनों ये लवंडे इधर मजे करे जा रहे हैं। ये देखो झूला में जो लाइटिंग वगैरह जो करता है यार, गजब का इन लोगों का जो है ना कलाकार। और ये छोटा सा बच्चे के लिए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तो ये लोग बैठ रखा जंगल में खड़े हैं, मुझे लग रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है यार। और इसके बाद चलते हैं दोस्तों, देख चलते हैं आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं और आगे ये क्या हाई वगैरह कर रहे, क्या है भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है मेले में। आगे बढ़ते चलो बढ़ते, ये मैडम साहिबा कुल्फी खाते हुए, और चलिए हम चलते हैं टावर झूले के ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के बाद देखो बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है दोस्तों, मुझे तो डर लग रहा था अभी से ही। ऊपर जाने के बाद ऊपर से नीचे का व्यू थोड़ा लेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने का कुछ अलग ही नज़ारा होता है। तो दोस्तों चलिए, मैं ऊपर तो आ गया, उसके बाद गाड़ी रोक दिया है, टावर झूला रोक दिया है। ऊपर से नीचे का नज़ारा देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसा लग रहा, छोटे 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 सब चीज़ दिख रहा है। एक्चुअली में लग रहा है कि मैं हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, और झीला वगैरह ये देखिए, यहाँ का हर एक रो अलग अलग बना हुआ है। और अब हम लोग धीरे धीरे मेला से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेला में बहुत ज़्यादा देर हो गया, टाइम हो गया घूमते घूमते। ये देखिए एक दूसरे का कंधा पकड़ के निकलते जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा दुकान है दोस्तों, पिज़्ज़ा वाले
बहुत सारे मतलब हेल्प हुई, नाश्ते हुए थे, सारे चीज़ समझ लेते हुए हम लोग सोचे अब निकलते हैं। एक्सीडेंट क्या है ना, हर जगह का जो वीडियो दिखाता तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज कर करके वीडियो रिकॉर्डिंग किया। यहाँ पे भूतिया महल है, बंगाल का भूतिया महल, जो कि यहाँ पे हॉर्न डरावना ससीन और डरावनी सी आवाज़ें आती हैं इसके रूम के अंदर में। तो दोस्तों अगर यहाँ के टिकट लेकर अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही डरावना से आवाज़ और डरावने जैसे जैसे फिगर अंदर देखने को मिलेंगे। छोटा सा था, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे होटल वगैरह हैं, तो इन सब से हम पार करते हैं। उसके बाद मेला से निकलने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि मेला में चलते चलते हमारा पैर ना जवाब देने लगा, दर्द करने लगा दोस्तों। तो इतना तो मैंने आप लोगों के लिए किया हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो सिर्फ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा और कुछ करना है तो अपने दोस्त यार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे, ताकि मैं भी और भी अलग अलग जगह पर जा करके आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा मोटिवेशन मतलब मनोबल बढ़ता है, इससे हमें प्रेरित होता है कि नहीं नहीं और भी वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, आप लोग का फर्ज है, बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही और मेरे बड़े भाई भी हैं, आप लोग मना नहीं करेंगे, अपने उंगली को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइक के बटन को दबाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, तब तो मेरा वीडियो आपके पास आया दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग विदाई लेना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, क्योंकि गेट के एंट्री से बाहर होने वाला हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लाइक, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।